हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फाइटोप्थोरा लाइफ साइकिल। ऑल राइट, फाइटोप्थोरा की लाइफ साइकिल आज हम पढ़ेंगे। सो उससे पहले हम कुछ फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने जो फोटोग्राफ्स लगाई हुई है, ये क्या है? पोटैटो ट्यूबर में और पोटैटो के प्लांट में। ऑल राइट, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है हमारा, वो क्या कॉज करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। तो उसके कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जो ऊपर प्लांट में आपको ये ब्लाइट ऐसा लग रहा है कि प्लांट का कोई पार्ट जल गया है, ठीक है, लेट ब्लाइट, इसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यहाँ पे भी हमें सारे पोटैटो में इन्फेक्शन दिख रहा है। ये किसकी वजह से है? फाइटोप्थोरा की वजह से है, ठीक है। फाइटोप्थोरा एक बहुत ही हार्मफुल फंगस है जो क्या करती है, कॉज को एनॉर्मस हार्म कॉज करती है। ऑल राइट, सो उसके कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। सी सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम इसका देखें तो इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगो माइकोटीना, क्लास ओ माइसीट्स, ऑर्डर प्रोनोस्पोरेल्स, फैमिली पाइथिएसी और पीथिएसी, या कुछ जो आप प्रोनाउंस करना चाहें। पीथिएसी वैसे प्रोनाउंसिएशन इसका सही है। एंड जीनस फाइटोप्थोरा। All right, the genus Phytophthora is represented by 40 species which are worldwide in distribution. जो Phytophthora का genus है, वो किससे represented है? 40 species उसकी अभी है worldwide in distribution में, ठीक है। The majority of species are parasitic, but few are facultative saprophytes. कुछ species इसके क्या है? Facultative saprophyte भी grow करती हैं, but majority of species of Phytophthora are parasitic. Okay. इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जीनस। ये क्या है? एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव जीनस है, हेंस नेम्ड फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा जो नेम है, ग्रीक वर्ड है, फाइटोन का मतलब हो गया प्लांट और ऑप्थोरा का मतलब हो गया डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका नाम ही में क्या छुपा है? डिस्ट्रक्शन का मीनिंग छुपा हुआ है। तो ये क्या है? एक ऐसी फंगस है जो क्या करती है, बहुत लॉस करती है प्लांट में, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव जीनस है ये। The well-known species of the genus is Phytophthora infestans, which causes late blight disease of potato. इसका well-known genus क्या है? Infestans, Phytophthora infestans, जो क्या करता है? Late blight disease of potato cause करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कौन सी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। और या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, और या फिर ये आ सकता है कि फाइटोप्थोरा कौन सी डिजीज कॉज करती है, ठीक है। तो फाइटोप्थोरा कॉजेज लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिड एटमोसफेयर फेवर द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। जहाँ अगर टेम्परेचर लो होगा और ह्यूमिड एटमोसफेयर होगा, तो वो कंडीशन क्या करती है इस फंगस के, ये जो फंगस की जो डिजीज है उसको क्या करती है? फेवर करती है स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। द डिजीज इज वाइडली स्प्रेड इन हिली एरियाज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में हमें ये स्पीसीज क्या है, दिखती है बहुत ज्यादा नंबर में, कि इस स्पीसीज की वजह से क्या दिखता है हमें? हार्म दिखता है क्रॉप में, ठीक है, एनॉर्मस हार्म देखने को मिलता है। क्यों रेनी सीजन में? क्योंकि वहां पर उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और एटमोसफेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो सबसे हाई होती है। तो इस वजह से, और वही इसका क्या है फेवर, ये टाइम जो है ये लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी वाला टाइम फाइटोप्थोरा की क्या करता है, स्प्रेड को क्या करता है, फेवर करता है। ऑलराइट, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज अ डिस्ट्रक्टिव प्लांट पैथोजन बेस्ट नोन फॉर कॉजिंग द डिजीज आयरस पोटैटो फेमीन, जिसके वजह से हुआ था, ठीक है। वो किसकी वजह से हुआ था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आयरस पोटैटो फेमीन किसकी वजह से हुआ था, ठीक है। जो भुखमरी की कंडीशन आ गई थी जब, तो वो किसकी वजह से हुआ था? सारी पोटैटो की क्रॉप में क्या हो गया था? डिस्ट्रक्शन हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गई थी पोटैटो क्रॉप। वो किस फंगस की वजह से हुई थी? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इतनी हार्मफुल फंगस है कि वो क्या करती है, पूरी क्रॉप को एक ही दिन में नष्ट करने की अपने अंदर कैपेसिटी रखती है, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी हम इसकी। उससे पहले मैंने जो यहाँ पे फोटोग्राफ लगाया है, आप सोचेंगे ये मैंने क्यों लगाया। ये मैंने ये आपको इसलिए दिखाने के लिए लगाया है कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट सेल्स दिख रही हैं, ठीक है। प्लांट की जो है लीफ की डिफरेंट सेल हमें देखने को मिल रही है, तो उसमें हमें क्या दिखने को मिल रहा है, जो फाइटोप्थोरा का जो माइसीलियम होता है, ठीक है, ये फाइटोप्थोरा है। फाइटोप्थोरा का माइसीलियम जो जर्मिनेट करता है वो इंटरसेलुलर भी जर्मिनेट करता है और इंट्रासेलुलर भी जर्मिनेट करता है। इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के बीच में से घुस के और सेल दो सेलों के ऊपर से बिना सेल के अंदर घुसे भी वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है उसका माइसीलियम, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, एक पार्ट अपर एपिडर्मिस होगी, ये लोअर एपिडर्मिस होगी, तो यहाँ से इन्फेक्शन कॉज करके वो इंट्रासेलुलर भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इंटरसेलुलर भी कॉज कर रहा है और क्या कर रहा है, लोअर एपिडर्मिस तक आ जा रहा है। और फिर वहां से उसके क्या दिखेंगे हमें, स्पोरेंजियोफोर दिखेंगे, जिसमें से क्या निकलेंगे, कोनिडिया उसके निकलेंगे और वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये देखने को हमें मिल रहा है यहाँ से, ये इसका जो माइसीलियम है वो सेल के अंदर भी इंसर्ट हो रहा है और सेल के ऊपर ऊपर से भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका माइसीलियम इंटरसेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर क्या करता है, स्प्रेड होता है। अब हम इसके सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या सिम्टम नजर आएंगे कि हमें कैसे पहचान सकते हैं कि ये फाइटोप्थोरा का इन्फेक्शन है। तो सिम्टम जो है इसके, द सिम्टम कैन बी सीन ऑन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, हमें प्लांट के किसी भी पार्ट में इसके सिम्टम क्या है देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि लीफ में हमें देखने को मिल सकता है इसका सिम्टम, पिटियोल में, स्टेम में, ट्यूबर्स में। देखो यहाँ पे लीफ में हमें ये देखने को मिल रहा है क्या, ये गोल एरिया हमें देखने को मिल रहा है, इतना एरिया, और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि प्लांट का जो पार्ट है वो क्या हो गया, जल गया है। ये जो पूरा डायग्राम यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्लांट का ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, बर्न आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है हमें कि ये प्लांट के पार्ट में क्या हो गया है, कुछ प्लांट का पार्ट क्या हो गया, जल गया है। तो ये किसका सिम्टम है, फाइटोप्थोरा के इन्फेक्शन के सिम्टम है। On leaves, symptom appear in the form of dark brown, oval or irregular water-soaked area. हमें लीव में, ये लीव में हमें कैसा इन्फेक्शन दिखेगा, डार्क ब्राउन कलर का, ये डार्क ब्राउन कलर का, ओवल कलर का, इरेगुलर, ओवल और इरेगुलर वाटर सोक्ड बॉडीज या वाटर सॉक्ड एरिया हमें नजर आएगा, ठीक है। ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ व्हाइट कॉटनी स्ट्रक्चर डेवलप ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ कोनिडियोफोर्स, और बैक साइड अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमें क्या नजर आएगा, व्हाइट कॉटनी ग्रोथ नजर आएगी। वो क्यों, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में आपको दिखाया था कि उसमें क्या था, जो माइसीलियम है, ठीक है, जो फंगस का जो माइसीलियम है वो अपर एपिडर्मिस से क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज करते हुए क्या आ रहा है, लोअर एपिडर्मिस में आ रहा है, और लोअर एपिडर्मिस से उसके क्या दिखेंगे हमें, वहां पे से क्या जर्मिनेट होंगे, कोनिडियोफोर। ये दिख रहे हैं आपको, ये प्लांट की क्या है, ये प्लांट का स्टोमेटा है, दिख रहा है, ठीक है। ये पोटैटो लीफ की एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, स्टोमेटा है, और वहां से क्या दिख रहे हैं, ये हमें कोनिडियोफोर दिख रहे हैं, और जिसपे क्या लगे हुए हैं, कोनिडिया लगे हुए हैं, ठीक। ये देखो ये क्या है, प्लांट की लीफ है, लीफ की एपिडर्मिस है, दिस इज द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, यहाँ पे लिखा है पोटैटो लीफ एपिडर्मिस, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या है, स्टोमेटा है, दिस इज द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में से क्या डेवलप हो रहे हैं, ये कोनिडियोफोर डेवलप हो रहे हैं, ये देखो ये क्या डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर, ठीक। फिर उसमें से क्या डेवलप होंगे, कोनिडिया, ये क्या डेवलप हो रहे हैं, कोनिडिया डेवलप हो रही है, ओवल शेप के कोनिडिया इसमें होता है, और एपिकल पेपिला प्रेजेंट होता है, ये बीक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एपिकल पेपिला बोलते हैं इसको, इस तरीके के इनके क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। तो वो क्या करेंगे, नीचे से लोअर एपिडर्मिस में हमें ये व्हाइट कलर का कॉटनी मास दिखाई देता है जो ये है, ठीक है, कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर्स है वो, और वहां पे से फिर क्या होगा, कोनिडिया इन्फेक्शन कॉज करेगा अगर वो क्या होगा, स्प्रेड होगा तो, ठीक है, किसी इंसेक्ट की हेल्प से, किसी एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, या फिर दूसरे प्लांट की लीफ अगर हवा से हिलते हुए उसके कॉन्टेक्ट में आ गई तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज होगा, ठीक है, नेक्स्ट दूसरे प्लांट में। अब अगर हम इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें, द माइसीलियम इज हाइलाइन ब्रांच्ड एसेप्टेट एंड सीनोसेटिक, ठीक है, बट सेप्टा आर फॉर्म्ड ऑन ओल्डर पार्ट ऑफ द माइसीलियम और एट द बेस ऑफ द सेक्स ऑर्गन। जिसका माइसीलियम होता है वो क्या होता है, हाइलाइन होगा,
ब्रांच्ड होगा, एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक होगा। ठीक है, एसेप्टेट दैट मींस कि उसमें सेप्टा एब्सेंट होंगे, बट सेप्टा कब बनेंगे, जब किसका डेवलपमेंट होगा, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। ये तो हमने अभी तक जितनी भी फंगस पढ़ी है उन सबके केस में हमने देखा है कि जो माइसीलियम है वो क्या है, एसेप्टेट है, बट सेप्टा का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा। ठीक है, माइसीलियम डेवलप इनटू द होस्टोरियम फॉर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द होस्ट सेल। और जो माइसीलियम होगा वो किसमें डेवलप होगा, माइसीलियम अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा किसमें, होस्टोरियम में। ठीक है, माइसीलियम अपने आप को किसमें मॉडिफाई करेगा, इन द फॉर्म ऑफ होस्टोरियम। ये मैंने आपको बताया है होस्टोरियम क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। होस्टोरियम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, माइसीलियम क्या बना देता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में प्लांट फंगस को हेल्प करता है, प्लांट में से, होस्ट सेल से फंगस क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है और अपना सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा कर सके प्लांट में से। ठीक है, अब हम रिप्रोडक्शन अगर देखें तो जो फाइटोप्थोरा में रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन से होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सी, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले, इसका फाइटोप्थोरा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में टेक प्लेस करेगा। ऑलराइट, इट टेक प्लेस बाय जूस्पोर फॉर्म इन द कोनिडियोस्पोरेंजियम। ठीक है, किसमें बनेंगे जूस्पोर, कोनिडियोस्पोरेंजियम में बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू टेक प्लेस करेगा, जूस्पोर के थ्रू टेक प्लेस करेगा, और जूस्पोर किसमें बनेंगे, कोनिडियोस्पोरेंजियम में बनेंगे। और मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जब होगी तब एसेक्सुअली क्या होगा, फाइटोप्थोरा क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जब प्लांट को फाइटोप्थोरा को क्या मिलेगी, लो टेम्परेचर मिलेगा, 20-22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा और 100 डिग्री ह्यूमिडिटी जब उसे मिलेगी तो वो क्या करेगा, एसेक्सुअली जूस्पोर्स के थ्रू क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन द हाइफल ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरसेलुलर माइसीलियम इमर्ज आउट थ्रू स्टोमेटा और बाय पियर्सिंग एपिडर्मल सेल। देखो ये इन्फेक्शन है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि फंगस कैसे इन्फेक्शन कर रहा है। इन्फेक्शन के बाद जो प्लांट के जो पार्ट में इन्फेक्शन किया होगा फंगस ने, उसके बाद क्या होगा, ये लीफ में से, जो लीफ में अगर फंगस ने इन्फेक्शन किया है तो उसका माइसीलियम क्या होगा, लीफ के एपिडर्मल सेल से क्या होगा, इमर्ज आउट हो जाएगा। ये हमें क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये स्टोमेटा है। ठीक है, दिस इज द स्टोमेटा, ये क्या है हमारा स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा में से क्या है, क्या निकल रहे हैं, कोनिडियो स्पोरेंजियम निकल रहे हैं और स्पोरोफोर निकल रहे हैं। ठीक है, ये इमर्ज आउट हो जा रहा है या फिर पियर्सिंग ऑफ एपिडर्मल सेल। पियर्सिंग ऑफ एपिडर्मल सेल मतलब एपिडर्मल सेल में से छेद करके उसको, एपिडर्मल लेयर को फाड़ के क्या कर रहा है, स्पोरेंजियम बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये स्पोरेंजियोफोर बाहर निकल गया या फिर इसको हम स्पोरोफोर भी बोल सकते हैं, ये बाहर निकला और फिर उसमें क्या डेवलप हुए, स्पोरेंजियम डेवलप हुए। ठीक है, स्पोरेंजियम से फिर क्या दिखेगा हमें, क्या मिलेंगे, जूस्पोर मिलेंगे। द हाइफल ब्रांचेस आर हाइलाइन फ्रीली ब्रांच्ड इंटरमीडिएट एंड एक्ट एज कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर। ये जो हाइफल ब्रांचेस होंगी, ये हाइफल ब्रांचेस क्या होंगी, ब्रांच्ड होंगी और किसकी तरह एक्ट करेंगी, कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर की तरह क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। ऑलराइट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ। द फर्स्ट स्पोरेंजियम ऑन अ स्पोरेंजियोफोर इज टर्मिनल। जो पहला स्पोरेंजियम बनेगा, यहाँ से सबसे पहला जो स्पोरेंजियम बनेगा वो क्या बनेगा, टर्मिनल पोजिशन पे बनेगा। ठीक है, ठीक हो गया। बट सून इट कम्स टू लाई इन अ लेटरल पोजिशन। ठीक है, एज द स्पोरेंजियोफोर पुशेस द प्रीवियसली फॉर्म्ड स्पोरेंजियम टू वन साइड टू प्रोड्यूस अनदर स्पोरेंजियम। बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो स्पोरेंजियोफोर यहाँ पे बना था टिप पे, टर्मिनल पोजीशन पे जो बना था, वो कहां को शिफ्ट हो जाएगा, लेटरल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, द स्पोरेंजियोफोर पुशेस द प्रीवियसली फॉर्म्ड स्पोरेंजियम टू वन साइड। जो पहले स्पोरेंजियम यहां पे बना हुआ था वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेटरल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ताकि यहां पे क्या कर सके, फिर नया स्पोरेंजियम डेवलप हो सके। इस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिम्पोडियली ब्रांच्ड स्पोरेंजियोफोर को हम बोलेंगे सिम्पोडियली ब्रांच्ड स्पोरेंजियोफोर, और इस तरीके के डेवलपमेंट को हम बोलेंगे सिम्पोडियल डेवलपमेंट।
ठीक है, स्पोरेंजियोफोर क्या है, सिम्पोडियली ब्रांच्ड है, दैट मींस जो पहले बना था स्पोरेंजियम वो टर्मिनल पोजीशन पे बनेगा, और फिर जब नेक्स्ट जो स्पोरेंजियम बनने का जब टाइम आएगा तब क्या होगा, ये टर्मिनल पोजीशन से वो कहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, अपनी लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिम्पोडियली ब्रांच्ड स्पोरेंजियोफोर। दिस स्पोरेंजियम इज अ थिन वॉल्ड हाइलाइन पियर शेप्ड और ओवल स्ट्रक्चर विद अ टर्मिनल पेपिला और बीक लाइक प्रोजेक्शन। अब जो स्पोरेंजियम होगा, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द स्पोरेंजियम, ये क्या है, पूरा हमारा स्पोरेंजियम है। ये स्पोरेंजियम क्या है, कैसा होगा, ओवल और पियर शेप का होगा इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी टर्मिनल पोजिशन पे, एपिकल पेपिला, ये देखो यहाँ भी नजर आ रही है, ये क्या है, एपिकल पेपिला है, ठीक है, एक बीक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, तो वो क्या है, एपिकल पेपिला, ऑलराइट। और फिर इस पेपिला में ये जो स्पोरेंजियम है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, किसके हेल्प के थ्रू, वाटर, विंड, एयर, इंसेक्ट, या फिर कोई लीफ इसके कॉन्टेक्ट में आ गई, इन्फेक्टेड लीफ के कॉन्टेक्ट में, तो उस वजह से क्या होगा, ये डिटैच होगा और क्या करेगा, डिटैच होके डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, और फिर जहाँ पे भी उसको फेवरेबल होस्ट मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, तो वहां पे वो क्या करेगा, फिर से ग्रो करने लगेगा। ये दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये स्पोरेंजियम क्या हो गया, डिटैच हो गया है, ठीक है, स्पोरेंजियम डिटैच हुआ, उसमें से क्या बन रहे हैं, ये जूस्पोर बन रहे हैं, जूस्पोर फिर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। अब फाइटोप्थोरा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है फाइटोप्थोरा में। सी, अब हम देखते हैं इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है, मैंने आपको बताया कि फाइटोप्थोरा में जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब टेक प्लेस करता है वो टू डिफरेंट वेज के थ्रू टेक प्लेस कर सकता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। देखो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोरेंजियम में हमें क्या देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन कब टेक प्लेस करेगा, लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी स्पोरेंजियम फंक्शन एज जूस्पोरेंजियम। इनडायरेक्ट में क्या होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, लो टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि इसको पूरी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्पोरेंजियम किसकी तरह कैसे जर्मिनेट करेगा, फाइटोप्थोरा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन के थ्रू क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। द मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द स्पोरेंजियम डिवाइड इंटू 5 to 10 यूनी न्यूक्लियट सेगमेंट। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट होगा, देखो ये वाला जो बाहर वाली साइकिल जो चल रही है, ये वाली, ये है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। इसमें क्या होगा, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम का, वो क्या होगा, किसमें क्लीव होगा, 5 to 10 यूनी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट्स में। 5 to 10 यूनी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट मतलब यहाँ पे से फिर क्या निकलेंगे, उसमें से क्या डेवलप होगा, जूस्पोर डेवलप होंगे, ठीक है। द जूस्पोर आर रिलीज्ड बाय ब्रेकिंग द एपिकल पेपिला, और यहाँ पे जो ये एपिकल पेपिला प्रेजेंट थी, ये एपिकल बीक जिसको हम बोल रहे थे, वो उसके ब्रेकडाउन के थ्रू जो जूस्पोर होंगे वो क्या होंगे, बाहर रिलीज होंगे। द जूस्पोर आर रिलीज्ड बाय ब्रेकिंग द एपिकल पेपिला, आफ्टर लिब्रेशन दे स्विम इन अ थिन फिल्म ऑफ वाटर फॉर सम टाइम, देन विड्रॉ देयर फ्लैजेलाइन सीक्रेट अ थिक वॉल। These cysts germinate in favorable condition by producing germ tube which penetrate through stomata and form intercellular mycelium. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब हम, ये क्या था, स्पोरेंजियम था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, स्पोरेंजियम है, और इस पे हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे एपिकल पेपिला दिख रही है। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये किसमें डिवाइड होगा, 5 to 10 यूनी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट्स में। ये हमें क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, ये क्या दिख रहा है, यूनी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट है, मतलब कि एक पार्ट से, ये जो एक सेगमेंट हमें दिख रहा है उसमें से क्या डेवलप होगा, एक जूस्पोर का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ये क्या बन रहे हैं हमारे, जूस्पोर डेवलप हो रहे हैं। ये जूस्पोर भी कैसे हैं, देखो एक इसमें टिनशेल और एक विपलेस वाला फ्लैजिला है, तो
टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट, फिप्लस एंड टेंसर, दोनों तरीके के फ्लैजिला इस पे प्रेजेंट होंगे। और फिर ज़ूस्पोर क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, एक्टिवली स्विम करेगा, फिर आफ्टर स्विमिंग क्या करेगा, अपने चारों ओर क्या बना लेगा, एक सिस्ट बना लेगा। और फिर फेवरेबल कंडीशन के टाइम अगर उसको मिल रहा है फेवरेबल कंडीशन, तो फिर वो क्या करेगा, होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये तो साइकिल क्या थी, इनडायरेक्ट साइकिल थी, ठीक है। ये कौन सी साइकिल थी हमारी, इनडायरेक्ट साइकिल थी, ठीक है। अब डायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होगा, डायरेक्ट जर्मिनेशन में अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर हाई, लो ह्यूमिडिटी, ड्राई कंडीशन है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, स्पोरेंजियम बिहेव एज कोनिडियम। जो स्पोरेंजियम होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कोनिडियम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। द स्पोरेंजियम बिहेव एज कोनिडियम, ये जो यहाँ पे स्पोरेंजियम बना था वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कोनिडियम की तरह बिहेव करेगा, और वो उसमें से क्या सीधे डेवलप होने लगेगा, डायरेक्ट जर्म ट्यूब का डेवलपमेंट होने लगेगा। ये देखो यहाँ पे से क्या हो रहा है, ये जर्म ट्यूब क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। दिस इज द डायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट जर्मिनेशन है, यानी कि स्पोरेंजियम से सीधे क्या हो रही है, जर्म ट्यूब निकल जा रही है। स्पोरेंजियम किस की तरह बिहेव कर रहा है, कोनिडियम की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये स्पोरेंजियम बिहेव्स एज कोनिडियम, और वहां से सीधे जर्म ट्यूब निकल रही है, जर्म ट्यूब इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, ठीक। बट इनडायरेक्ट में क्या था, पहले जो स्पोरेंजियम था उसमें डिविजन हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हुआ, यूनि न्यूक्लिएटेड ज़ूस्पोर में। ज़ूस्पोर स्विम करेंगे कुछ टाइम के लिए, फिर सिस्ट से कवर कर लेंगे अपने आप को, और फिर क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो फीमेल और मेल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटेंजियम स्पीसीज ऑफ फाइटोप्थोरा मे बी क्लासिफाइड एज पैरागाइनस और एम्फीगाइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, पैरागाइनस क्या होता है और एम्फीगाइनस क्या होता है, बट मैं बता रही हूँ यहाँ पे, तो आप अच्छे से सुनिए उसको, कि जो डेवलपमेंट है गैमेटेंजियम का, जो डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे फाइटोप्थोरा की स्पीसीज को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पैरागाइनस और एम्फीगाइनस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है, इन पैरागाइनस स्पीसीज फर्स्ट एन ऊगोनियम इज फॉर्म्ड। पैरागाइनस स्पीसीज में क्या होगा, ये पैरागाइनस स्पीसीज में पहले क्या बन जाएगा, ऊगोनियम बनेगा। फर्स्ट एन ऊगोनियम इज फॉर्म्ड, देन उसके बगल पे जो नियर बाई हाइफी होगा या फिर सेम हाइफी से क्या डेवलप होंगे, एंथ्रीडियम डेवलप होंगे, ठीक है। पैरागाइनस में सबसे पहले किसका डेवलपमेंट हो रहा है, ऊगोनियम का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद आफ्टर सम टाइम एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा। बट इन एम्फीगाइनस स्पीसीज में क्या होता है, सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होगा, फर्स्ट एन एंथ्रीडियम इज डेवलप, ठीक है, पहले एंथ्रीडियम डेवलप होगा, फिर उसके बाद किसका डेवलपमेंट होगा, ऊगोनियम का डेवलपमेंट होगा। द टिप ऑफ द हाइफी इन्फ्लेट्स टू फॉर्म ग्लोबोज ऊगोनियम अबव द एंथ्रीडियम, और फिर उसके बाद जिस हाइफी से एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ था उसी के ऊपर पोजिशन पे क्या होगा, उसी हाइफी के ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा वो हाइफी का, वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड हो जाएगा, और ग्लोब्यूज ऊगोनियम का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, ठीक है, दिस इज द ऊगोनियम एंड दिस इज द एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम फॉर्मड एट द टिप और ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हाइफी बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम, यंग एंथ्रीडियम गेट सेपरेटेड ऑफ द 8 to 12 न्यूक्लियाई दस फॉर्मड, ओनली वन रिमेन फंक्शनल एंड द रिमेनिंग गेट डीजेनरेटेड। मतलब कि हाइफी की टिप से क्या होगा, एंथ्रीडियम का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मैंने बताया था कि हाँ हाइफी क्या होता है, हाइफी इसमें कैसा होता है, फाइटोप्थोरा में सिनोसेटिक और एसेप्टेट होता है, बट उसमें सेप्टा का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसमें क्या होगा, एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन जब होगा। तो वैसे ही जब एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा हाइफी से, एक हाइफी किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, एंथ्रीडियम की तरह बिहेव करने लगेगी, और उसमें क्या हो जाएगा, सेप्टा का डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसके जो उसमें न्यूक्लियस में जो डिविजन होगा, उसके न्यूक्लियस में डिविजन होगा, उसमें क्या होगा, 8 to 12 न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है, 8 to 12 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, बट फंक्शनल कितने रहेंगे, सिर्फ ओनली वन रिमेन
फंक्शनल, बाकी के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ऐसा ही हमें ऊगोनियम में भी देखने को मिलेगा। ऊगोनियम डेवलप लेटरली टू एंथीडियम। एम्फीगाइनस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि हमें एंथीडियम की लेटरल साइड पे हमें क्या दिख रहा है, ऊगोनियम बनेगा। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ऊगोनियम इज मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड दीज न्यूक्लियाई डिवाइड टू फॉर्म 40 न्यूक्लियाई। जो ऊगोनियम का प्रोटोप्लास्ट होगा वो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है और वो क्या बनाता है, 40 न्यूक्लियाई तक का फॉर्मेशन उसमें हो जाता है। न्यूक्लियस जो और जो ऊगोनियम का साइटोप्लाज्म है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड हो जाता है। एक होता है पेरिप्लाज्म, ठीक है, एक होता है पेरिप्लाज्म और एक होता है ऊप्लाज्म। पेरिप्लाज्म का मतलब हो गया जो पेरिफेरल पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको हमने बोल दिया पेरिप्लाज्म, और जो सेंटर पे जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसको हमने बोल दिया ऊप्लाज्म, ठीक है। ऑल द न्यूक्लियाई गेट डीजेनरेटेड एंड द सिंगल एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ द ऊप्लाज्म रिमेन फंक्शनल। जो सारे बाकी के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ओनली वन रिमेन फंक्शनल। यहाँ ऊगोनियम के केस में भी क्या होगा, सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। द मैच्योर ऊगोनियम इज अ यूनि न्यूक्लियेट पायरीफॉर्म और ग्लोबोज स्ट्रक्चर। जो मैच्योर ऊगोनियम होगा वो कैसा होगा, यूनि न्यूक्लियेट होगा और पायरीफॉर्म ग्लोबोज स्ट्रक्चर उसका होगा। ऑल राइट, अब हम इसका अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो साइकिल देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ए और ए पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, लीफ की एपिडर्मल सेल्स दिख रही हैं, ठीक है। ये इन्फेक्टेड लीफ है, इसकी एपिडर्मल सेल्स दिख रही हैं। इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, हाइफी दिख रहे हैं, और वो हाइफी में से क्या डेवलप होंगे, एंथीडियम और ऊगोनियम का डेवलपमेंट होगा, ओके। और फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ऊस्पोर बनेगा। ऊस्पोर के बाद, अभी फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगी, फर्टिलाइजेशन होगा, ऊस्पोर बनेगा, और ऊस्पोर क्या करेगा, ऊस्पोर में से ज़ूस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा, फिर ज़ूस्पोरेंजियम से ज़ूस्पोर बनेंगे, और ज़ूस्पोर क्या करेंगे, हल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सी ये फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉमन वॉल एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम डिसॉल्व एंड द मेल न्यूक्लियस फ्रॉम एंथ्रीडियम एंटर इनटू ऊगोनियम, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड ऊस्पोर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, हमें डिप्लॉइड ऊस्पोर का फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। ये है ऊगोनियम, दिस इज द ऊगोनियम एंड दिस इज द एंथ्रीडियम, ठीक हो गया। अब ऊगोनियम और एंथीडियम का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा और किसका रिजल्ट करेगा, ऊस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या थी, फर्टिलाइजेशन की थी। अब हम देखेंगे कि ऊस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होगा। द ऊस्पोर अंडरगो अ पीरियड ऑफ मैच्योरेशन बिफोर जर्मिनेशन। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ ऊस्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड देन जर्मिनेट बाय अ जर्म ट्यूब। ऊस्पोर का जब डिविजन होगा, ऊस्पोर जब मैच्योर होगा उसमें क्या होगा, उसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा उसमें क्या होंगे, मैनी माइटोटिक डिविजन टेक प्लेस करेंगे, ठीक है। द टिप, और फिर उसके जो माइटोटिक डिविजन उसमें होगा उसमें से क्या बनेंगे, ये ज़ूस्पोरेंजियम, उसमें ज़ूस्पोरेंजियम बनेंगे। ज़ूस्पोरेंजियम में माइटोटिक डिविजन होगा, उसके बाद क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाएगा, और एक स्ट्रक्चर किसका फॉर्मेशन करेगा, ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और ज़ूस्पोर, जब ये ज़ूस्पोरेंजियम किसी प्रेशर की वजह से अगर बस्ट होगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, ज़ूस्पोर क्या हो जाएंगे, बाहर एनवायरमेंट में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने सब कुछ वही लिखा हुआ है, ज़ूस्पोर रिलीज होंगे तो फिर वो किसी हो प्रॉपर जो उसको होस्ट मिला है, हेल्दी प्लांट मिला है, तो उसको भी इन्फेक्शन कॉज कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा है जर्मिनेटेड ज़ूस्पोर, ठीक है। ज़ूस्पोर क्या होने लगे, जर्मिनेट होने लग गया, और स्पोरेंजिया क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है इन दी लीफ। ज़ूस्पोर में से जो जर्म ट्यूब निकली है वो क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है हेल्दी प्लांट की लीफ में, और फिर क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो ये तो थी हमारी फाइटोप्थोरा की लाइफ साइकिल, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कुछ भी गेन करके गए हैं इस वीडियो से, कुछ भी नया सीख के गए हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, मेरी वीडियो देखिए और पढ़ाई कीजिए, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कीजिए, और मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।